राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है। किसान भाइयों, मैं आप सभी को आज दीमक की दवा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जो किसान भाई दीमक से बहुत परेशान हैं, जैसे किसी लकड़ी में लग गई, दरवाजे में लग गई, या आपके खेत में लगी हुई है, या किसी पौधे में लगी हुई है, आपके खेत में बार बार दवा डाल रहे हैं, दीमक मर नहीं रही है, जिसके बारे में मैं बहुत ही अचूक दवा के बारे में बताऊंगा आपको। किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो किसान भाई नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए किसान भाइयों, आज मैं आपको दीमक की दवा के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, यदि आप दीमक से बहुत परेशान हैं तो आप सर्वप्रथम क्लोरोपायरीफास 20% ईसी, जो कि आपको ट्रॉपिकल कंपनी का टैगबान के नाम से, एसपीएम कंपनी का मिल जाएगा, आपको जीएसपी कंपनी का मिल जाएगा, ठाकर केमिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, किसान भाइयों घड़ा केमिकल्स का मिल जाएगा आपको। किसान भाइयों, इसका 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसका 3 ml प्रति लीटर, यानी कि आपकी अगर 16 लीटर की टंकी है तो आप उसमें 30 से 35 ml प्रति टंकी घोल मिलाकर आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपके उसमें दीमक का बहुत कुछ ज़्यादा प्रकोप है तो किसान भाइयों, आप घना केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का हमला के नाम से 550 जो दवा आती है, जिसमें क्लोरोपायरीफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, यानी जो हमने आपको पहले दवा बताई है उसमें केमिकल्स की मात्रा 20% होती है, और इसमें जो रासायनिक तत्व है, केमिकल्स है, उनको दीमक को मारने के लिए उसमें इसमें रासायनिक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, घना केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के अलावा आपको ये ठाकर केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का बारूद के नाम से मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये ईसा एग्रो, जो अब परिवर्तित होकर जीवा एग्रो में हो गई है, इस कंपनी का आपको टेरर RL के नाम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा जो है मैं बता दे रहा हूँ, 3 ml प्रति लीटर, 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका छिड़काव करने से दीमक नष्ट हो जाती है, और आपकी जो फसलें हैं घर में, दरवाजे में हैं, या आपके बेड में हैं, या कहीं पर भी हैं, जहां पर भी आपको दीमक से नुकसान हो रहा है, वहां पर आप इसका घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि आपका नुकसान होने से बच जाएगा। किसान भाइयों, यदि इन सभी दवाओं से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रकोप है, अंडे, बच्चे, अडल्ट, उड़ने वाले, ये उड़ने के लायक भी कुछ दिनों के बाद हो जाती हैं, यदि आपको ऐसी समस्या लगे कि ये बार बार इन सभी दवाओं से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप बायर कंपनी का एडमायर, बायर क्रॉप साइंस इसका पूरा नाम है, डिब्बी के ऊपर एडमायर लिखा होता है, जिसमें इमडा क्लोरोप्रिड 70% WG, जो कि दानेदार आती है, इसका आप आसानी से घोल बना सकते हैं। किसान भाइयों, इसको लेकर आइए, और आप इसका जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी, हाँ किसान भाइयों, 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसकी छिड़काव करें। यदि आपकी ज़मीन में मिट्टी के अंदर दीमक है तो किसान भाइयों, आप इसका घोल बनाकर बालू में अथवा अन्य किसी पोषक तत्वों के, जैसे आप यूरिया के साथ इसको मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, बुरकाव कर दें और मिट्टी में पूरी तरह से मिला दें, तो दीमक मर जाती है। किसान भाइयों, एडमायर जो कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का है, और धानुका कंपनी का, जिसका व्यापारिक नाम एडफायर है, इसमें भी
इमिडाक्लोरोपिट किसान भाइयों, सॉरी इमिडाक्लोरोपिट 70% WG जो कि दानेदार में आती है, इसका घोल बनाना है यदि आपको, तो आप 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, जिससे कि आपकी दीमक नष्ट हो जाएगी, चाहे वो उड़ने वाली हो गई हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अंडे हो, चाहे अडल्ट हो। और यदि आपको जो है ज़मीन में मिलाना है तो आप इसको बालू में, मिट्टी में, या जैसे आप खाद में मिलाना चाहते हैं तो यूरिया में मिलाकर आप इसको जो है मिट्टी में पूरी तरह से मिला दीजिए, फिर दीमक चाहे जैसी होगी आपकी नष्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सारी जानकारी खेती संबंधित आपके चैनल पर, आपके इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।